हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग ऑर्डर वाले सेंटेंस देख लेते हैं। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को समझने के लिए चलिए कुछ मॉडल सेंटेंसेस हम पहले देख लेते हैं। तो वो मॉडल सेंटेंस क्या है हम लोग देखते हैं। बैठ जाओ, सिट डाउन, चले जाओ, गो अवे, अपना काम करो, डू योर वर्क, हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। ऊपर के वाक्यों में आदेश यानी ऑर्डर का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद प्रायः वर्ब जैसे सिट, गो, डू, वॉश इत्यादि से शुरू होता है, किंतु इनमें यू छिपा रहता है। अर्थात अगर हम सिट डाउन कहते हैं तो उसमें तुम छिपा हुआ रहता है। तो आशा करती हूँ कि निम्न डिस्क्रिप्शन तथा मॉडल सेंटेंसेस से आपने ऑर्डर वाले सेंटेंस को सीख ली समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग प्लीज के प्रयोग को देख लेते हैं। प्लीज के भी प्रयोग को देखने से पहले हम कुछ मॉडल सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं। जैसे कृपया कर मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। कृपया कुछ खाए, प्लीज ईट समथिंग। कृपया मेरी बात सुने, प्लीज लिसन टू मी। कृपया मुझे कुछ पैसे दे, प्लीज गिव मी सम मनी। प्लीज का अर्थ होता है कृपया या कृपा कर। प्लीज से शुरू होने वाले वाक्यों में आग्रह का भाव व्यक्त होता है। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपने निम्न डिस्क्रिप्शन तथा मॉडल सेंटेंसेस से ऑर्डर तथा प्लीज के यूज़ को आसानी से समझ लिया होगा। टिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा।